ताजमहल का नाम तेजो महल था, ये दावा तो पुराना हो चुका, लेकिन हमारा दावा ताजमहल से कहीं आगे है। हमारा तो ये कहना है कि मुगल ही मुगल नहीं थे। अब आप बड़े इतिहास के जानकार बनते हैं, अब बताइए कि बाबर का सरनेम क्या था, अकबर का सरनेम क्या था, शाहजहां का सरनेम क्या था, मालूम है आपको? हमें जो जानकारी मिली है बड़े ही गुप्त सूत्रों के अनुसार, इसके हिसाब से बाबर की सरनेम थी मोदी। सरनेम तो खैर कुछ भी हो सकती थी, लेकिन इनका नाम ही पूरा नाम बाबू भाई मोदी था। फिर उनका लड़का हुआ, इसका नाम हुआ हिम्मत भाई मोदी, जिसको आप हुमायूं कहते हैं, ये लेफ्ट वाले। हुमायूं का लड़का हुआ अक्षय, जिसको आप अकबर कहते हैं। फिर अक्षय यानी कि आपके अकबर का बेटा हुआ जयेंद्र मोदी, जो कि जहांगीर हुआ। फिर ये जयेंद्र यानी कि आपका जहांगीर का जो बेटा था, वो सरनेम बदलना चाहता था। हमारे अक्सर ऐसा होता है कि 3-4-5 पीढ़ी के बाद कोई सरनेम बदलता है, तो उसको लगा कि चलिए शाह सरनेम रखी जाए। अब हमारे गुजरात में कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बंदे के सरनेम से उसको बुलाया जाता है। जैसे कोई मुझे कहेगा कि क्या कोठारी भाई, आप क्या कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से जयेंद्र के यानी जहांगीर के लड़के को सब शाह भाई कहने लगे। अब शासक होता है तो उसके भक्त तो रहेंगे, चाहे वो काल हो या ये काल। तो उसके एक भक्त ने एक बार बड़े तैश में आके बोल दिया कि शाहजहां मैं वहां। फिर क्या था, शाहजहां को लगा कि ये अकेले शाह भाई अच्छा नहीं लगे, ये शाहजहां बड़ा फैंसी सा लगता है, से उसका नाम हो गया शाहजहां। अब अगर आप पूछते हैं कि भाई इतिहास के नाम पर ये क्या मजाक बना रखा है, तो मेरा तो यही कहना है कि शुरुआत किसने की थी।